हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, ये आरटीआई का कॉपी है और ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था 64th में PSIR, और उसकी कॉपी है ये, आप देख सकते हैं। तो कुछ में मार्क्स को काट कर है जो कुछ घटाया भी गया है। एक जगह मेरे को 38 मार्क्स मिला था, उसको घटाकर 28 किया गया, उसके बाद 26 किया गया। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों। एक में 29 से घटाकर 27 किया गया है, एक में 31 से घटाकर 30 किया गया है। तो मेरा जो है 6 से 7 नंबर जो है इसमें और है जो कमी किया गया है। मैंने जो मेरा टोटल नंबर था 170, तो मेरा टोटल नंबर है जो 179 के आसपास आ रहा था, उसको घटाकर है जो 170 किया गया। मैंने 9 नंबर मुझे घटाया गया है, तो देख सकते हैं। और कैसे, तो ये पूरा कॉपी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो भारत चीन से रिलेटेड था, उसके बारे में मैंने क्या लिखा था, आप है जो इसको देखिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैपिंग की ज़रूरत है, वहाँ मैपिंग दिए हैं, जो क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चंस को पूछ रहा है। और एक चीज़ जान लीजिए कि मेंस के अंदर में कोई परफेक्ट आंसर नहीं लिख सकता है। आप अपने जो आपके जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है, या आपने जो क्वेश्चंस के डिमांड को पूरा करने के लिए आपने जो प्रक्रिया अपनाया है, उसके आधार पे ही क्वेश्चन को जो लिखा जाता है। तो जहाँ जो डिमांड है आप उस चीज़ को ज़रूर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो पूरी हो जाएगी। फैक्चुअल क्वेश्चन को ज़रूर लिखने का प्रयास किए करें। जहाँ पर देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है जो डेटा से रिलेटेड है, वहाँ पर है जो आप लिखिए, वो ज़्यादा ही रिलेटेड होगा। और इसमें अगर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे है जो 30 नंबर के आसपास है जो मिले हैं। निष्कर्ष देखिएगा, भारत चीन के संबंधों को सुधार करें, 21वीं सदी में दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एशिया की 21वीं सदी है। इससे सकारात्मक सोच के साथ दोनों देशों के अपने अपने देशों की भूखमरी कुपोषण गरीबी आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप है जो इस तरह से जो लिख सकते PSIR का है दोस्तों, आप है जो RTI का देख सकते हैं। नॉर्थ साउथ डायलॉग का ही क्वेश्चन था जिसमें है जो लिखने का हम प्रयास किए थे। मैंने आवश्यकता क्यों पड़ी नॉर्थ साउथ की, उसको है जो मैंने लिखा है। जहाँ जिसकी जो ज़रूरत थी उसको है जो मैंने लिखने का है जो प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, मेरा इसमें 37 था, उसको 30 किया गया और फिर बाद में भी इसमें जो घटाया गया है। तो आप देख सकते हैं 37 आंसर है, 37 नंबर हमको इसमें मिला था। लेकिन BPSC में क्या होता है पता नहीं, आप है जो देख सकते हैं। ये है जो नाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो नाम से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो है जो देख सकते हैं। नाम एक नीति है कि संगठन है कि एक आंदोलन है, क्या है। दोनों के बीच में नाम 2.20 जो लिखने का प्रयास किया था। नायक पुनर्वलोकन से क्वेश्चन है एक, इसी तरह से है जो उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को लिखे थे। अभी न्यायिक सक्रियता के बारे में भी लिखे थे। आप देख सकते हैं इसी तरह से जो आंसर लिखा है, हर लोगों का अलग अलग होता है लिखने का। आप जो कैसे लिखते हैं इस पर डिपेंड करता है। आप देखिए
मैंने GS2 और ऑप्शनल का मैंने डाल दिया है। अब है जो प्लेलिस्ट में जाके देखिए दोस्तों, 29 मिला था उसको 27 किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से है जो, टोटल 33 पेज है। ये RTI का कॉपी है मेरा, और मैं इसीलिए जो आप लोग के सामने रख रहा हूँ कि अगर जो अच्छा है इसमें तो आप उसको ले लीजिए, जो आपसे रिलेटेड नहीं है आप अपने अनुसार से उसे बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। GS1 GS2 का टोटल क्वेश्चंस डाला हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।